सर्वप्रथम उद्धव कुंड में हम गए थे। आप लोग हिंदी में वहाँ पर कथा सुने, उद्धव जी की कथा सुने, इसलिए उद्धव जी वहाँ पर घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। उद्धव वहाँ पर घास बन करके तपस्या कर रहे हैं, इसलिए अभी प्रश्न है ये उद्धव ये घास बनने के लिए क्यों चाह रहे हैं। उन्होंने तीन चीज बनने के लिए चाहा, पहला नंबर घास, दूसरा नंबर वहाँ के लता, और जो तीसरा नंबर कब का कब है कहते जो दो तीसरा नंबर है कहते वहाँ के औषधि वृक्ष, कहते वहाँ तीन चीज बनने के लिए उन्होंने प्रार्थना की, पहला घास है, फिर लता है, और वहाँ के औषधि, कहते ये तीन चीज बनने के लिए कोशिश की। कहते वहाँ पर वो घास क्यों बनना चाहते हैं, कहते कारण यही है, वो है ना वो हिंदी समझते थे अपने ओके एक हेट लेना जानती है, इसलिए कहते अगर वहाँ घास बनूंगा तो जब गोपियाँ चल करके जाएगी, चल करके तो जाना ही पड़ेगा, जब चल करके जाएगी फिर घास बनेगा अगर, फिर हम वहाँ उनकी चरण की धूल प्राप्त होगी। चरण धूल मतलब है हम सब संतों का चरण धूल लेते हैं, संतों का चरण धूल, बोले चरण धूल क्यों लेते हैं, कहते चरण धूल में इनका जितने शक्ति है वो सारे शक्ति इनकी चरण धूल में रहती है, इसलिए हम संतों का चरण धूल लेते हैं ना। जो तिलक लगाते हैं, ये तिलक क्या है, ये गोपियों का चरण धूल, कहते इसको क्यों लगाते हैं, कारण बोले कारण है कि तिलक लगाने पर उनके चरण में जितने शक्ति, उनके जितना शक्ति चरण में, अगर ये धूल लगाएंगे ना वो सारे शक्ति हमें मिल जाए, इसलिए हम ये तिलक ललाट में ये तिलक लगाते हैं, ये गोपियों की ये चरण। अगर हम वहाँ पर लता बन जाएंगे, लता बनेंगे फिर क्या होगा, कहते प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयित नमजुन द्वंद्वम अस्मिन मंदम। राधा कृष्ण जब कुंज में कोई लीला करेंगे, अगर हम वहाँ लता बन करके रहेंगे तो क्या होगा, अगर कुंज बन करके रहेंगे फिर उनका सारे लीला को दर्शन कर पाएंगे, इसलिए कहते वहाँ हम लता बन जाए। तीसरा चीज चाहते हैं वहाँ पर हम कोई औषध वृक्ष बन जाए, कहते औषध वृक्ष क्यों बनना चाहते, कहते अगर कोई वो बीमारी में पड़े फिर अगर कोई दवा ले फिर तो उनका हृदय में चले जाएंगे, उनका हृदय पास होगा, गर्भ में अंदर में चले जाएंगे, इसलिए उद्धव जी वहाँ पर तीन चीज के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है। अभी यहाँ पर प्रश्न होता है उद्धव जैसे व्यक्ति, कहते उद्धव कौन है, कृष्ण उसको ब्रज में भेजे थे, उद्धव जी को ब्रज में भेजे थे, तो उन्होंने कृष्ण ये उद्धव जी को ब्रज में क्यों भेजे, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या कारण है, तब तो हमारे टीकाकारों ने अलग 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 बड़ी सुंदर सुंदर उसी विषय के ऊपर में उन्होंने बड़ी अच्छी 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 बात बताई, बहुत प्यारी प्यारी बात बताई उसी संबंध में, इसलिए कहते कृष्णा ये उद्धव जी को आप पता होगा, उद्धव जी को कृष्णा मथुरा से उन्होंने भेजा था वृंदावन में, मथुरा से उन्होंने वृंदावन में भेजा था, कहते इसका रहस्य क्या है, तब इसका हमारे टीकाकारों ने अलग 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 बात बताते हैं। पहला बात बताते हैं कहते कौन किसको भेजा, कहते भेजा कौन किसको, बोले कृष्ण ने भेजा वृंदावन में, बोले कृष्ण क्यों भेजा वृंदावन में, वो लोग तो कोई आए नहीं,
ब्रज से वो लोग तो कोई आए नहीं कृष्ण के पास में, लेकिन कृष्ण वो भेजा, कृष्ण कहाँ पर भेजा, तो कृष्ण भेजते हैं वृंदावन, कृष्ण भेजते हैं वृंदावन में। यहाँ पर कहते भाई गरज किसको है, जरूरत किसकी है, मतलब कृष्ण को जरूरत है, गोपियों की जरूरत नहीं। ये पहला प्रश्न, ये कृष्ण का जरूरत बढ़े, गोपियों की जरूरत, उनको गोपियों की जरूरत नहीं बढ़ाए, किसको बढ़ाए, कृष्ण को बढ़ाओ। कारण क्या है, कृष्ण की भैया वो लोग तो कोई आई नहीं, कृष्ण ही भेजते रहे, बारम्बार कृष्ण ही भेजते रहे, इसलिए यहाँ पर बताए जिसको जरूरत है वो कुछ भेजेगा। इसलिए यहाँ पर गोपियों को इतना जरूरत नहीं, कृष्ण को जरूरत। बोले कारण क्या, बोले कारण है इधर कृष्ण भी दुखी है और उधर ब्रजवास भी दुखी, दोनों ही दुखी है, है? कोई सुखी नहीं, कृष्ण भी दुखी और ब्रजवासी भी कृष्ण विरह में दुखी, कृष्ण भी ब्रजवासियों को विरह, दोनों ही दुखी दुखी, दोनों ही है? जब दोनों ही दुखी दुखी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन है, बोले कृष्ण। ये ब्रजवासी दुखी तो है लेकिन उससे ज्यादा दुखी ज्यादा कृष्ण। बोले क्यों, कृष्ण क्यों ज्यादा दुखी, वो लोग क्यों ज्यादा दुखी नहीं, कारण क्या। इसका कारण बताए, जैसे आप ज्यादा कोई दुखी होते हैं फिर हम क्या करते हैं, हम रो करेंगे ना, फिर वो दुख को निकाल देते हैं। अगर ज्यादा कोई दुखी होते रोते रोते हैं क्यों, रोने पर हृदय का जो व्यथा है, दुख है, वो बाहर निकल जाती है, फिर आदमी शांत हो जाता है, रो करके दुख को निकाल देता है। इसलिए कृष्ण देखते हैं, अगर मैं रोऊं ब्रजवासियों का प्रेम में, अगर मैं रोऊं यहाँ का लोग सोचेंगे कि पागल है, कहाँ ग्वालिनिया जंगल में रहने वाले हैं, कंडा बिनने वाली, दधि मंथन करने वाली, और देखो कृष्ण कहाँ, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण, द्वारकाधीश मथुरेश कृष्ण है, और राजा होकर के ये जो पागलों को विरह में रहता है, लोग है ना, हैं मेरे को ना गाली देंगे लोग, हैं गाली देंगे, लेकिन उधर क्या होता है, जैसे आपका हृदय की बात को अगर कोई समझता है, आपका हृदय की बात अगर कोई समझता है, अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा दुखी, आप अपना हृदय की बात को दूसरों को बता दो, किसी दूसरे व्यक्ति को हृदय की बात बता दो, फिर क्या होगा बताओ, तुम्हारा हृदय है ना वो खाली हो जाएगा, हृदय तुम्हारा खाली हो जाएगी, हृदय फिर तुम्हारा दुख नहीं रहेगा। अगर आप किसको हृदय की बात बोल नहीं पाए, कोई समझने वाले नहीं तुम्हारे हृदय की बात, अगर हृदय की बात को अपना हृदय में रख लिया, फिर क्या होगा, आदमी पागल बन जाएगा, आदमी पागल बन जाएगा। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, कृष्ण क्या सोच रहे हैं, ये जो गोपियाँ हैं ना एक दूसरे के हृदय को समझते हैं, अब हृदय की बात किसको बोलोगे, जो समझेगा, जो समझेगा नहीं उसको नहीं बोल सकते, जो समझेगा उसको ही बता सकते हो। इसलिए वहाँ पर बहुत सारी गोपियाँ हैं जो एक दूसरे भाव को समझने वाली, एक दूसरे हृदय को समझने वाली, इसलिए वो तो आपस में हृदय की बात को बोल करके ना हृदय को खाली कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सखा लोग हैं ना, कृष्ण हृदय की बात इसको बोल नहीं पाते, क्यों, गोपियों की जो प्रेम है बहुत ऊंचा प्रेम है, अभी वो चीज़ को समझने वाले द्वारा मथुरा में कोई नहीं, इसलिए कृष्ण हृदय की बात इसको बोल नहीं पाते, हृदय को दुख को कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण। इसलिए कृष्ण Now I will listen.
I think if you direct, you understand Hindi. You know the glory of dust of Gopi, from Gopi, and how Krishna was suffering so much in the in Bharata, and what all this Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Bole na mucche, bolche. Hare Bol, Hare Krishna. Kuch lagbe? Kuch chai tumhar? Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna. Hare Krishna. हाँ इसलिए आवाज आ रही है आवाज हरे कृष्णा हरे बोल इसलिए हाँ हरे कृष्ण क्या बोल रहा था इसलिए अभी मथुरा में ऐसे कोई मथुरा में कोई व्यक्ति नहीं कृष्ण जिसको अपना हृदय खोल करके बोल सके कोई वहाँ पर है नहीं जिसको हृदय बोल इसलिए कृष्ण अंदर अंदर में ना अंदर अंदर में कृष्ण दुखी 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 कृष्ण अंदर अंदर में दुखी दुखी हो रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई कृष्ण के हृदय को समझने वाले नहीं हरे कृष्ण सो अब इसलिए कृष्ण उद्धव जी को इसलिए कृष्ण ये उद्धव जी को कहाँ से भेजते हैं कहती है मथुरा से कृष्ण को भेजते हैं वृंदावन में भेजे ये एक पहला कारण है क्यों कृष्ण उद्धव जी को भेजे ये पहला कारण है कहते इसका दूसरा कारण क्या है उन्होंने भेजे क्यों दूसरा कारण है जो ब्रज की जो प्रेम है एकदम निर्मल प्रेम है ब्रज का जो भक्ति है वो एकदम निर्मल भक्ति है हैं? एकदम निष्काम भक्ति है और ब्रज का जो भक्ति साधारण भक्ति नहीं बहुत उच्च तरह का भक्ति है बहुत हाई क्लास भक्ति है ब्रज का भक्ति इनका जो भक्ति कृष्ण का प्रति एकदम शुद्ध है कोई कामना वासना इनका हृदय में नहीं है इसलिए यद्यपि द्वारका में कृष्ण को भक्ति करने वाले हैं मथुरा में भक्ति करने वाले हैं लेकिन ब्रज में जो भक्ति करने वाले इसलिए कहते जो मथुरा में जो भक्ति है जो जैसे महिष लोग जो प्रेम करती हैं लेकिन वो पूरा कृष्ण को भक्ति नहीं है कृष्ण को आधा प्यार करते हैं अपना बच्चों में भी आधा प्यार है इसलिए द्वारका में जो प्रेम है उससे भी थोड़ा कम है लेकिन ब्रज में जो भक्ति जिसको समर्था रति बताया समर्था रति में मतलब कृष्ण को कंट्रोल करने में समर्थ है पूरा हृदय में किसी तरह का अपना कोई भोग की कोई भावना नहीं संपूर्ण रूप में कृष्ण सेवा में समर्पित व्यक्ति कृष्ण सेवा में संपूर्ण ये समर्पित अपना कोई स्वार्थ है इनके अंदर में ही नहीं जो कुछ करते हैं कृष्ण सुख के लिए इसलिए कृष्ण वो चाहते हैं कृष्ण जो ब्रज का जो भक्ति है ब्रजवासियों का जो भक्ति को पूरा दुनिया में ब्रज भक्ति को प्रचार करना चाहते हैं दुनिया को सामने रखना चाहते देखो यद्यपि सब भक्ति मेरे को करते हैं लेकिन इनकी भक्ति सबसे हाई फाई भक्ति है अभी कृष्ण ने सोचा अगर कोई बात बना साधारण व्यक्ति कोई बात बोले ना अरे उसको क्या बात की क्या कीमत है लेकिन अगर मोदी कोई बात बोल दे हैं कोई मोदी कोई बात बोलता है जोगी कोई बात बोलता है फिर तो भैया जब इतने बड़े व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं ना जरूर उसमें कुछ है बोलेगा ना जब प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहा है ना मुख्यमंत्री जब बोलता है जरूर उसमें कुछ दम है ना इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं हम ये ब्रज भक्ति को ऐसे एक व्यक्ति को द्वारा हम ये बात को बताएं सब लोग एक बात में सब मान जाए नहीं सचमुच से इनके बात में कुछ दम है इसलिए उन्होंने देखा ऐसे कौन व्यक्ति को द्वारा बुलवाए बोले उद्धव को द्वारा कहते ये उद्धव जी को द्वारा ये बात को हम उद्धव जी को द्वारा बताए बोले उद्धव जी की द्वारा क्यों बताए उद्धव जी है कौन इतने बड़े व्यक्ति क्या है तब बताए कृष्ण स्वयं उद्धव जी के लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले हे उद्धव
तू मेरे जितने प्यारे हो ना, दुनिया में तेरे जैसे मेरे कोई प्यारे है ही नहीं। कहते बेटा कितना प्यारा होता है, आपको बता बेटा कितना प्यारा होता है। कहते मेरा बेटा कौन है, बोले ब्रह्मा। कहते तू जितना मेरे प्यारे हो ना, मेरा अपना बेटा ब्रह्मा भी उतना प्यारा नहीं, उससे श्रेष्ठ कौन है। बोले हरि हर एकात्मा शंकर जी, जो सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिवम, जो सत्यम शिवम सुंदर। कि तू मेरे जितने प्यारा है ना, मेरे एकात्म स्वरूप श्री शंकर भी इतना मेरे प्यारे नहीं, शंकर भी नहीं। बोले शंकर जी की बात छोड़ दो, उससे ज्यादा नजदीक कौन होता है। बोले अपना बीवी। अब बताओ बीवी कितने प्यारी, घर में पिता माता सारा जीवन बच्चों को लालन पालन करते हैं, हैं? दो दिन घर में एक पत्नी आई, एक रात में ऐसे मंत्र दे दिया ना, एक रात में पिता माता भाई बंधु सब एक तरफ, बस पत्नी को ले कुछ हो गया तो पत्नी को लेकर के हम एक तरफ, एक रात में एक मंत्र से काम हो जाता है, हैं? इसलिए सारा दुनिया को छोड़ने के लिए तैयारी हो जाता है। परिवार में झगड़ा हो तो अपना पत्नी को लेकर रखे, ले भैया तुम अपना जाओ। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी जो पत्नी जो लक्ष्मी है वो इतने प्यारी नहीं, तू मेरी जितने प्यारी है। कहते उससे ज्यादा नजदीक कौन है, कहते श्री बलदेव प्रभु, श्री बलदेव प्रभु है। कहते कृष्ण और बलदेव देखने में दो है लेकिन एक ही है, देखने में ये काले और ये गोरे, देखने में ये काले और एक गोरे है लेकिन ये दोनों अलग नहीं और एक ही वस्तु है, हैं? कहते एक ही है। इसलिए कहते मेरे जो भैया जो बलदेव है इतना प्यारा, मेरे मेरे भैया भी इतना मेरे प्यारा नहीं। बोले इनकी बात छोड़ दो, बलदेव प्रभु का बात छोड़ दो। कहते मैं स्वयं, मेरा जो आत्मा है, तुम जितने प्रिय हो, मेरी जो आत्मा है, मैं स्वयं, मेरा इतना प्यारा नहीं, इतने प्यारा मैं भी मेरा नहीं। कहते उद्धव तू जितने मेरे प्यारे। बोले समझो उद्धव जी भगवान की कितने नजदीक है उद्धव, हाँ, इनके जैसे नजदीक भगवान की कोई नहीं। इसलिए भगवान अपना भक्तों को इतने महिमा देते हैं, भगवान अपना भक्तों की इतना इज्जत देते हैं, इतने महिमा देते हैं, और किसी को इतने महिमा भगवान नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं भक्त मेरे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे भक्त हैं, अगर मेरा अपना हाथ, अगर मेरे भक्त का विरोध में मेरा अगर हाथ जाएगा ना, मैं अपना हाथ को भी काट दूंगा भक्तों के लिए, मैं अपना हाथ को भी मैं काट दूंगा। मतलब इतने भगवान अपना भक्तों को प्यारा कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों का संपूर्ण भक्तों का चरण में मैं बसीभूत हूँ, इसलिए मैं असंतत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्तों का प्रेम में मैं स्वयं भक्तों के पास में पीक गया हूँ, भक्तों के पास में। इसलिए भक्त अगर चाहते मेरे नचाना मैं नाचने लग जाता हूँ, भक्त अगर मेरे कान पकड़े तो मैं कान पकड़ लेते हैं, झूठन खा लेता हूँ, घोड़ा बन जाता हूँ, उनके चरण में गिर जाता हूँ, भक्त मेरे इतने प्रिय है। इसलिए उद्धव जी कौन है, इसलिए शास्त्र ने बताया भक्तों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है, कहते ये कौन है, बोले उद्धव जी। बोले श्री उद्धव जी की, इसलिए उनका नाम है उद्धव। कहते उद्धव, उद्धव मतलब क्या होता है। बोले उद्धव का मतलब होता है उद्गत तम जस्मात, जिससे संपूर्ण जो तम है, मतलब गंदी चीज तम गुण, जिससे पूरा निकल गया है, जो एकदम प्योर है, एकदम जो प्योर है, उद्धव मतलब है जो एकदम वो प्योर है, उनका अंदर में किसी गंदी चीज नहीं, संपूर्ण पवित्र है उद्धव जी। और कृष्ण खुद कहते हैं कृष्ण उद्धव कौन है, बोले कृष्ण नाम परवर मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा बुद्धि बृहस्पति साक्षात गुरु बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। इसका मतलब है कृष्ण को अगर कहीं भी कभी कभी जरूरत होता है ना किसी काम के लिए,
परामर्श लेंगे तो कहाँ से परामर्श लेते हैं? उद्धव जी से। उद्धव जी से उद्धव बताओ अभी मेरे को क्या करनी चाहिए, ये करनी चाहिए ना ये करनी चाहिए, वो परामर्श लेते हैं उद्धव जी से। कभी ये इनका गुरु कौन है? बोले ये इतने इंटेलिजेंट थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, ये उद्धव जी इतने बुद्धिमान थे उद्धव जी, कहते इनको पढ़ाने के लिए ना उनको कोई पढ़ाने के लिए कोई उनको मिला ही नहीं टीचर इसी जगत में। क्यों? जब कोई प्रश्न करते थे उद्धव जी, इनकी प्रश्न ही कोई नहीं समझते थे, ये क्या बोलता है। फिर इनको स्वर्ग में भेजा गया, इनको स्वर्ग में भेजे, बोले क्यों स्वर्ग में भेजे? बोले उनको पढ़ाई कराने के लिए। पीछे आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी ना पूरा आ रही है, हाँ एक दो तीन चार माइक चल रही है, इसलिए इसलिए हरे कृष्णा। इसलिए कहते अगर इनको कोई पढ़ाने के लिए कोई जरूरत हुआ ना, इनको कहाँ भेजे? कहते इनको स्वर्ग में भेजा गया, इनको स्वर्ग में भेजे। बोले क्यों? बोले ये जगत में कोई इनको पढ़ाने वाले नहीं मिले, इसलिए। कहते इनका गुरु कौन है? बोले बृहस्पति जी इनके गुरु हुए, बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उन्होंने बृहस्पति जी से उन्होंने सारे विद्या को अध्ययन किया है, सारे विद्या को अध्ययन किया, लेकिन केवल एक विद्या उनको पास में था नहीं, इसलिए बृहस्पति उनको पढ़ा नहीं सके। बोले कौन सा विद्या उनके पास में नहीं था? बोले प्रेम की विद्या है, इनको पास में कोई प्रेम की विद्या इनको पास में थी नहीं, इसलिए उन्होंने सारे विद्या तो पढ़ाया, लेकिन केवल एक अध्याय बाकी था, वो प्रेम की अध्याय बाकी था, इसलिए उन्होंने उनको खुद को पास में हुए है ही नहीं, इसलिए पढ़ाएंगे कैसे, इसलिए उन्होंने ये विद्या को पढ़ा नहीं पाई, केवल एक अध्याय बाकी रह गया था। वो कौन सा प्रेम की विद्या है? कहते हर तरह का नहीं, बोले ब्रज प्रेम की विद्या है। इसलिए उन्होंने सोचा उद्धव जी को, इसलिए वो उद्धव जी को भेजते हैं। कृष्ण सोच रहे हैं ऐसे एक उसका और एक कारण बताए उद्धव जी को क्यों भेजे। जैसे बहुत ज्यादा पानी हो जिसमें भंवरा पड़ रहा है, बहुत गहरा पानी, अगर आपको तैरना नहीं आती है, अगर आप वो कुंड में छलांग लगा दो पानी में, फिर क्या होगा बताओ तो? क्या होगा? आप डूब जाओगे, क्योंकि आपको तैरना आता है, इतना गहरा पानी है, अगर छलांग लगा दो डूब करके बस राम नाम सत्य हो जाएगी। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कि जो ब्रज का जो प्रेम है वो इतने अथाह गहरा है, जिसमें इतने अथाह गहरा पानी है, हैं? अगर जिसको तिसको अगर मैं ब्रज में भेजता हूँ वो गहरा पानी में डूबकर मर जाएगा, मतलब वो चीज को समझ नहीं पाएगा वो। फिर कृष्ण सोचा ऐसे कौन सा एक व्यक्ति को मैं भेज दूं जो थोड़ी बहुत उनकी प्रेम को था लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत उनकी प्रेम को समझ सकता है, ऐसे कौन सा व्यक्ति को मैंने भेजूं। फिर देखा, उदाहरण दिया, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बड़े हाई फाई यूनिवर्सिटी हो, 90% जिसको ऊपर ज्यादा नंबर आता है ना, केवल वही भर्ती हो सकते, उसके नीचे कोई भर्ती नहीं हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने देखा जो ब्रज का में जो यूनिवर्सिटी है ना, वो इतने हाई फाई यूनिवर्सिटी है भैया, 90% ज्यादा मार्क नहीं हो ना उसमें भर्ती नहीं हो सकता है, हैं? उसमें भर्ती नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण ने देखा मैंने फिर किसको भेजूं, और वहां पर जो प्रिंसिपल है ये स्वयं श्री राधा रानी प्रिंसिपल है। कहते प्रोफेसर कौन है वहां पर? कहते ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रूपमंजरी, रति मंजरी। कहते ये सबके सब वहाँ प्रोफेसर है, ये सबके सब वहाँ ये प्रोफेसर सबके सब है, हैं? इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं वहां पर, यहाँ पर ऐसे कोई स्टूडेंट क्या है मथुरा में, ऐसे कोई स्टूडेंट क्या है
जिसको मैं वहां पर भेजूं और थोड़ी बहुत वो पता लगा सके वो प्रेम की, कोई है क्या? बोले यहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन उनके सोच 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 करके देखा, हाँ केवल एक व्यक्ति तो है लेकिन पूर्ण रूप में क्वालिफिकेशन नहीं, थोड़ी बहुत है, वो पूरा भी नहीं, थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन है। कहते वो कौन है? बोले श्री उद्धव जी है, वो उद्धव जी है। कृष्ण सोचे अगर मैं इसको मैं ब्रज में भेज दूं, अगर वो ब्रज में जाए और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, वो एडमिशन होकर के वो विद्या को थोड़ा बहुत पढ़ ले, पढ़ करके फिर अगर वो यहाँ आएगा, वो साड़ी और अच्छा 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 नहीं अच्छा और अच्छा अच्छा नहीं है। इसलिए अगर वो पढ़ करके वो विद्या को यहाँ पर आए हैं, आ करके फिर क्या होगा? फिर मैं मेरे हृदय में जो व्यथा है, मेरे हृदय में जो ब्रजवासी के लिए जो दुख है, अगर वो दुख को बाद में बता दूं, फिर मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा मेरा मन। इसलिए कृष्ण ने उद्धव जी को कहां पर भेजते हैं? उद्धव जी को भेजते हैं कहां पर भेजे उद्धव जी को? मथुरा में भेजते हैं। बोले उद्धव तू जा ब्रज, उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। इसलिए कहते उद्धव तुम ब्रज में जाओ और जा करके हैं, तुम जा करके मेरे सखा सखियों को तुम जा करके थोड़ी सी उनको सांत्वना दे करके आओ। उन्होंने भेजा, लेकिन उन्होंने भेजा तो उनको, लेकिन कृष्ण को ये पूर्ण विश्वास था कृष्ण को, इसको तो मैं भेज रहा हूँ लेकिन ये वो प्रेम की था नहीं लगा पाएगा, वो प्रेम को था नहीं लगा पाएगा, उनको समझा नहीं सकता ये व्यक्ति है, उनको ये विश्वास था समझा नहीं पाएगा। लेकिन उद्धव जी ने कहा ये कोई बड़ी भारी बात थोड़ी मेरे लिए, ये तो मैं चुटकी बजाते ही है, चुटकी बजाते मैं उनको समझा दूंगा, क्योंकि मैं इतने बड़ा विद्वान में हूँ, इतने बड़े विद्वान हूँ, स्वर्ग से बृहस्पति को पास में पढ़ाई लिखाई करके मैं आया हूँ, और जितने कृष्ण का भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त मैं हूँ, मेरे जैसे इतने बड़े भक्त कोई कृष्ण का है ही नहीं, सबसे बड़े मैं भक्त हूँ। इसलिए पांच तरह का भक्त बताए, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। कहते ये पांच तरह का कृष्ण के भक्त है, लेकिन ये पांच तरह का भक्तों में कहते ये सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? बोले उद्धव जी। कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? श्री उद्धव जी। उनके जैसे और भक्त कोई है नहीं, इसलिए उद्धव जी का बड़ा अभिमान है। ये सब गांव में रहने वाली कंडा बिनने वाली है, कंडा बिनने वाली गांव में रहने वाली और तंधि मंथन करने वाली और अपवित्र रहने वाली है, वनचरी वन में विचरण करने वाली, अरे इन लोगों को तो मैं चुटकी बजाते मैं समझा दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बोले कृष्ण कोई चिंता मत करो, मैं तो जाकर के आसानी से उनको मैं समझा करके आ जाऊंगा। लेकिन कृष्ण को पता है ये उद्धव वहां जाकर के कुछ भी नहीं कर पाएगा, कृष्ण को पता है ये भी कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसलिए कृष्ण उनको बोले देखो तुम तो कोशिश करना उनको समझाने के लिए, जितना दूर हो सके कोशिश कर लेना समझाने के लिए, अगर तुम इनको समझा नहीं पाओगे ना किसी तरह से, एक काम करना उनको बोलना, उनको तुम बोलना आंख बंद करो, आंख बंद कर लो, इतना बोल देना। फिर उद्धव जी गए, बहुत कोशिश किया समझाने के लिए लेकिन किसी तरह से उनको समझा नहीं सका, बल्कि उद्धव जी को उन्होंने उल्टा पाठ पढ़ा दिया है उद्धव जी को। इसलिए बोलता उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे प्रेम की डोर है।
इसलिए उद्धव ना पूरा सीधा हो गया, शुद्ध मतलब सीधा हो गया है, उनकी बात सुन करके उत्तर शुद्ध हो गए, सीधा हो गया। गोपियों की बोल सुन करके और ज्ञान बजाई डुगडुगी, उनने जो ज्ञान की बात बताया ना, उदाहरण जो डुगडुगी बजाते हैं और बाजे प्रेम की ढोल, जहाँ ढोल बजता हुआ वो धुम 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 उसको सामने डुगडुगी बजाते किस काम का होगा, उसको समझ आएगा। इसलिए उद्धव जी किसी तरह से समझा नहीं पाए, जब समझा नहीं पाए इतने में उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी कह रहे हैं बोले तुम लोग आंख बंद कर बैठ जाओ यहाँ। तब ब्रज गोपियां वो आंख बंद करके बैठ गए, बैठ गए तो इतने में कृष्ण स्वयं वहां, कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। किसका आवाज है? कृष्ण स्वयं वहां पर प्रकट हो गए, प्रकट हो करके गोपियों के साथ में कृष्ण रास करते हैं, उन्हें रास लीला की, उनको साथ में होली खेला है, उनको साथ में जल विहार किया, उनको साथ में झूला खेला खिला, उनको साथ में निकुंज लीला की, उनको साथ में मधुपान किया है। थोड़ी समय में कृष्ण उनको साथ में पूरा गोपियों को साथ में पूरा लीला की, फिर कृष्ण उनको सांत्वना दिया, कृष्ण उनको सांत्वना दे दिया कृष्ण। इसलिए यहाँ पर हम लोग जहाँ पर गए थे, हरे कृष्ण, हम लोग जहाँ पर गए हुए थे वो था श्री उद्धव कुंड, उद्धव कुंड। कहते ये उद्धव जी वहां पर घास बन करके, गुल्म लता बन करके वहां तपस्या कर रहे हैं, उद्धव जी तपस्या कर रहे हैं। बोले उन्होंने तपस्या क्यों की, कारण किया? बोले कारण है, उन्होंने जब ब्रज भक्ति, ब्रजवासियों को भक्ति को उन्होंने दर्शन किया, उनकी भक्ति की एकदम चरम उत्कर्षता को जब उन्होंने देखा, उद्धव जी दर्शन किया हैं, उन्होंने देखा इनकी जैसे प्रेम दुनिया में किसी को प्रति नहीं। कृष्ण को टेढ़ी मेढ़ी वचन बोल रही थी राधा रानी, उन्होंने पहले उनको पिता माता को पहले समझाने के लिए कोशिश किया हैं, पिता माता को समझाने के लिए कोशिश किया। उद्धव जी कृष्ण से बोल रहे थे, बोले कृष्ण मैं तेरे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, तेरे बगैर मैं रह ही नहीं सकता हूँ। कृष्ण ने कहा उद्धव जी जब तुम ब्रज में जाओगे ना, तुम देखोगे स्वयं मैं तो एक आना यहाँ पर हूँ, 99% में वहीं पर हूँ। तुम स्वयं ये चीज को अनुभूति करोगे, मैं यहाँ पर, मेरे को जो देख रहे हो ना, मैं यहाँ है ही नहीं। अगर मैं हूं तो कहाँ पर? वृंदावन में। मेरे को साक्षात दर्शन करोगे? बोले ऐसे। बोले हाँ, जो उद्धव बोल रहा था एक दो दिन नहीं रह पाएगा ना वहां पर, तो तीन तीन महीना रह गए, भूल गए कृष्ण, कृष्ण को भूल गए पूरा है। इसलिए उद्धव जी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा, जैसे कहीं जाते हैं ना तब उन्होंने देखते भल भल हट देते, तब उन्होंने पूछा उनको, ये उद्धव जी जाकर उन्होंने पूछा, भैया नंद बाबा का घर कहाँ पर है, ये नंद बाबा कहाँ रहते, भैया जशोदा गोपियाँ कहाँ रहती हैं। उन्होंने पूछा, जब उन्होंने पूछा है ना, एक एक एक, एक परनला बह रही, परनला जानते हो, इसमें पानी बहती है। बल देखो जो परनला बह रही ना, तुम एक परनला को देख देख कर चली जा, जहाँ पर ये समाप्त हो गए वहां पर उनका घर है। तो उन्होंने तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले मैं पूछ रहा हूँ नंद बाबा का, भैया जसोदा का घर कहाँ पर है। उन्होंने एक परनला दिखा दिया, नाली दिखा दिया, जहाँ से ये नाली सुर है ना, वो वहीं पर घर है। बोले भैया ऐसे क्यों, ये क्या चक्कर है? उनको समझ में नहीं आया, मैंने उनका घर पूछ रहा हूँ, परनला बता दिए। सचमुच से उद्धव जी वहां पर जब पहुंचे, मैया जसोदा, नंद बाबा, उनकी सखियां, सखाए, कृष्ण विरह में इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे, उनका जो आंखों का जो आंसू है ना, वो नाली में बहते हुए, आंखों का आंसू ये नाली में बह रहा था, मतलब इतने आंसू कृष्ण विरह में वो रो रहे थे ब्रजवासी हैं। इसलिए उद्धव जी जब ब्रज में पहुंचे तो उसी समय वो उद्धव बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था उद्धव, कृष्ण तेरे विरह में सहन नहीं कर सकता, तेरे विरह में
सहन नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण ने बोला था तुम देखना पूरा के पूरा मैं ही वही मिलूंगा। सचमुच से उद्धव जब ब्रज में पहुंचे उन्होंने देखा, कृष्ण उनको दिखाया, देखो ये ब्रज का क्या दृश्य है। उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने दिखाया सचमुच से कृष्ण वहीं पर है। कैसे वहां पर सारे ब्रजवासी कीर्तन कर रहे थे, बोले गोविंद दामो धर्माधव ते, गोविंद दामो धर्माधव ते, गोविंद दामो धर्माधव ते, चला से गोविंद दामो धर्माधव ते, हे कृष्ण हे जा तब हे सखेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। सबके सब कीर्तन कर रहे थे, सार इधर से उधर भाग रहे थे, और जितने बछड़े फुदक फुदक करके नाच रहे थे, और को दोहन कर रहे थे सबके सब हैं। कोई बोल रहे थे बछड़ा छोड़ दो, कोई बोल रहे थे बछड़ा को बांध दो, कोई बोल रहे थे रस्सी लाओ, कोई लग रहे प्यार को बांधो हैं। वहां पर सब ऐसे ऐसे सबके सब वहां पर कर रहे थे। और देखा कृष्ण रहते समय जैसे ब्रज एकदम हरा भरा था, था सबके सब प्रसन्न चित है। बड़े सुंदर वहां पर दरवाजा को सजाए, बड़े सुंदर स्वस्ति वाचन बनाए, पूरा देखा कृष्ण रहते समय जैसे पूरा ब्रज ऐसे ही पूरा ब्रज। लेकिन कृष्ण को उद्धव जी को दिखा दिया कैसे कृष्ण रहते समय, फिर थोड़ी समय में देखा सब अंतर ध्यान हो गया, कुछ नहीं हुआ पर। और कोयल जब से कृष्ण ब्रज छोड़कर गए, कोयल कुहूकती नहीं, मयूर केका नहीं करती है, हैं? बछड़े कृष्ण विरह में दूध नहीं पी रहे हैं, गैया कृष्ण विरह में गैया घास नहीं खाती है। फिर देखा पूरा ब्रजवासी गोपियां जहां के तहां बेहोश होकर के पड़ी हुई हैं। फिर उन्होंने दिखा दिया, देखो ब्रज कृष्ण विरह में कैसे ये ब्रज संपूर्ण डूबा हुआ है, कृष्ण विरह में कितने दुखी ये ब्रजवासी है। फिर उन्होंने पूरा दिखा दिया, प्रकट है पूरा दिखा दिया। इतने में उन्होंने श्री नंद बाबा का घर में पहुंचे, जब कृष्ण पहुंचे देखा मैया जसोदा है ना, वो एकदम बेहोश होकर पड़ी हुई, शरीर में कोई होश नहीं, कृष्ण विरह में। मैया बोली मैं तब ये आंख ही नहीं खोलूंगी, जब तक कन्हैया ब्रज में नहीं आएंगे तब तक मैं ये आंख नहीं खोलूंगी, आंख खुलेगी तभी जब कृष्ण वृंदावन में आएंगे, नहीं तो मैं आंख नहीं खोलूंगी। और उनकी आंखों से इतने आंसू बह रही थी, मैया की जो कपड़ा है ना भीग करके, मैया जसोदा की कपड़ा भीग करके एकदम जो पानी आंखों से बहते बहते जाकर के जमुना में मिल रही थी पानी, इतने मैया रो रही थी, इतने में जब श्री नंद बाबा को घर में पहुंचे, जब से कृष्ण ब्रज छोड़कर गए, पीछे आवाज आ रही है, आ रही कि नहीं? इसलिए कृष्ण जब से तब से कोई घर में खाना नहीं बनाया, घर में मकोड़े जाल बना दिए, किसी घर में खाना नहीं बनता है। अभी जब उद्धव जी गए दूत बन करके, उनको तो कुछ खिलाना पड़ेगा ना, बोले कहाँ खिलाए। फिर नंद बाबा ने दूसरे घर में थोड़ी चावल में, थोड़ी दूध में चावल डाल करके किसी तरह से थोड़ी सी खीर बना दिया। वो जो खीर को ला करके उन्होंने खिलाया, किसको? उद्धव जी को खिलाया है। उन्होंने उद्धव जी को किसी तरह से उद्धव जी को खिलाया। अभी
नंद बाबा भी कृष्ण विरह में रो रहे, उनका आंखों से आंसू बह रही है कृष्ण विरह में। अभी उद्धव जी तो समझाने के लिए गए थे ना, उद्धव जी समझाने के लिए गए थे, अभी उद्धव सोच रहे हैं अगर कोई व्यक्ति रो रहा है ना, अब क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, भैया रो मत, यही बोलोगे ना, अब इतने मत रोया करो, क्यों इतने रो रहे हो, यही बात बोलोगे ना। अभी उद्धव जी ये बात बताने जा रहे थे नंद बाबा को, मैया यशोदा को, फिर उन्होंने सोचे नहीं अगर मैं बोलूं रो मत, जितने सारे शास्त्र हैं ये सबके सब मेरे विरोध बन जाएंगे। हाँ विरोध बन जाएंगे, बोले क्यों विरोध बन जाएंगे, कारण है क्या, बोले कारण है महाप्रभु कहते हैं, बोले नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम बपो कदा तब नाम ग्रहणी भविष्यति। हर शास्त्र कहता है, बोले क्या कहता है हर शास्त्र, कब हमारा ऐसे दिन आए, कौन सा दिन आए, जब कृष्ण का नाम को लेकर के आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए हैं, और हमारा जो गला है ना गदगद हो जाए, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाए हैं। अब देखना भजन करते करते अगर कृष्ण नाम को लेते लेते अगर आंखों से थोड़ी आंसू आ जाए, थोड़ी से आंसू आ जाए आंखों से, कृष्ण का कीर्तन करते करते नाम लेते लेते थोड़ा हृदय गदगद हो जाए हैं, फिर कितने आनंद आता है। आज ठाकुर का कीर्तन करते करते आज आंखों में आंसू आ जाए, बड़े खुश हो जाता है। इसलिए हर शास्त्र कहता है कृष्ण नाम लेकर के रो। क्या करो, कृष्ण नाम को लेकर के रो, हर शास्त्र कहता है। कभी ये ऑलरेडी तो रो रहे हैं, कृष्ण का नाम लेकर तो रो रहे हैं, अगर मैं बोल दूंगा तो रो मत, फिर क्या होगा, जितने सारे शास्त्र में बोले क्या बोल रहे तू, शास्त्र कहता है कृष्ण नाम लग रहे रो, ये तो ऑलरेडी रो रहे हैं, अरे तू इसको मना कर रहे हो रो मत, सारे शास्त्र हमारे विरोध हो जाएंगे हैं। फिर सोचने लग गए भैया फिर बोलू तो इनको क्या बोलू, मैं बोलू तो मैं इनको क्या बोलू, किसी तो बोलना पड़ेगा ना। उन्होंने बहुत सोच सोच करके, जो बृहस्पति का जो शिष्य है इतना जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसको मुंह से वाणी नहीं निकल रहा था, बोली नहीं निकल रहा था, मैं बोलू तो बोलू क्या उसको, मैं बोलू तो इसको बोलू क्या, उसको मुंह से वाणी नहीं निकल रहा था। उन्होंने बहुत सोच सोच करके एक वाणी बोला, एक बात बोला, क्या बात बोला, बोले देखो नंद बाबा, आप जैसे दुनिया में कोई सौभाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं, जगत में ये पृथ्वी में सबसे ज्यादा कोई सौभाग्यवान व्यक्ति है तो आप हो। बोले क्यों, बोले कृष्ण जिसकी बेटा है, कृष्ण जिसकी बेटा, बोले कृष्ण बेटा हो गया तो क्या हो गया, बोले ये कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कृष्ण ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कृष्ण, बोले ये कृष्ण कौन है, बोले पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ब्रह्मा कहते हैं ये जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये सनातन है, जिसको कहते ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का जो कारण का कारण है कौन है, ये कृष्ण है। इसलिए आप कितने भाग्यवान, देखो भगवान स्वयं जिसका बेटा बन करके आए तो आप कितने बड़े भाग्यवान हो। जब उद्धव जी केवल इतनी सी बात बताए, कितने में ये बात को सुन करके ना, नंद बाबा ने कहा उद्धव जी मैं तो सोच रहा था थोड़ा थोड़ा तेरा थोड़ा ज्ञान हो गया होगा, कृष्ण के साथ में रहते रहते ना थोड़ा अकल आ गया होगा, थोड़ा बुद्धि हो गया होगा, मैं देखता हूँ तो मूर्ख के मूर्ख ही है, तू अभी मूर्ख के मूर्ख है, तेरे अंदर में थोड़ी सी भी अकल अभी तक भी नहीं आई है, तू बता रहे हो मैं सौभाग्यवान हूँ, बता मैं सौभाग्यवान कैसे,
कहते भगवान कृष्ण स्वयं भगवान मेरा बेटा बनकर के आया था, इसलिए भगवान मतलब सौभाग्यवान ना दुर्भाग्यवान हो गया। तब नंद बाबा ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति ने उसको कोई एक पत्थर मिला था, वो लेकिन वो पत्थर नहीं था, वो था पारसमणि। लेकिन एक व्यक्ति को पारसमणि मिला था, उसने सोचा शायद ये कोई साधारण पत्थर है, उसने वो पत्थर को अपना बेटे को खेलने के लिए दे दिया। उसका बेटा खेल रहा था, खेलते खेलते एक बहुत बड़े जो बढ़िया जो बिजनेस करता है सोने चांदी की, जिसको जौहरी, जिसको पता है ये पारसमणि, देखा अरे इतने कीमती चीज, ये तो पारसमणि है, जो लोहे को टच कराओ तो लोहा सोना बन जाती है, तो पारसमणि है। उसने देखा था ये पारसमणि, इतने में क्या हुआ, वो बच्चा पारसमणि को साथ में खेलते खेलते वो कहीं से कहीं गुम गया, कहीं वो पारसमणि गुम गई। एक दिन वो व्यक्ति ने, जो व्यक्ति जो क्या जौहरी क्या बोलता हूँ जौहरी, उसने वो जो व्यक्ति था जिसको मिला था वो पत्थर, कहते भैया तेरे बेटा जो एक पत्थर से खेल रहा था वो पत्थर कहाँ गया, बोले तो कहीं खो गया। बोले खो गया, तेरे को पता है पत्थर क्या था, पत्थर नहीं था, वो तो पारसमणि था, जो लोहे को भी जो सोना बना देती है, खो गया। हे भगवान, जब उन्होंने ये बात बताए तब नंदा बाबा कहते हैं ये बताओ, जब वो व्यक्ति तो पहले सोच रहा था ये पत्थर, लेकिन बाद में पता चला ये पत्थर नहीं ये पारस मणि। अभी वो व्यक्ति दुखी होगा ना सुखी होगा, बताओ बताओ, दुखी होगा ना सुखी होगा, वो दुखी हो जाएगा। बोले इतनी कीमती चीज का, सात राजा का धन मिल करके भी एक पारस पत्थर को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं, वो दुखी हो जाएगा, इतनी कीमती चीज खो गई। नंद बाबा ने कहा मैं तो पहले सोच रहा था कृष्ण मेरे लाला है, कृष्ण मेरा लाला है, लेकिन अभी मेरे को पता चला कृष्ण मेरे जो लाला, जिसको बोल रहा था ना लाला रूप में जो आया था, वो लाला नहीं, वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, हैं? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का वो मालिक है, मेरे लाला नहीं, वो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। बताओ तुम मेरे को सौभाग्यवान बता रहे हो, मैं सौभाग्यवान ना दुर्भाग्यवान हूँ, मेरे जैसे दुर्भाग्य जगत में कोई है ही नहीं, हैं? जब वहां पर बैठ बैठ करके बात कर रहे थे ना, इतने में वहां पर मैया जसोदा लेट हुई थी, मैया जसोदा लेट हुई थी, जब उन्होंने ये सब बात सुनी उनको लगा हो ना हो मेरे लाला तो नहीं आ गया। इतने में मैया जसोदा थोड़ी सी आंख खोली, आंख को खोल करके देखा मेरे लाला नहीं, ये उद्धव जी है। फिर उन्होंने कोशिश की तो बैठने के लिए, जब देखा ये कृष्ण नहीं है ना, फिर वो धड़ाम करके गिर पड़ी हुई पर, मैया जसोदा हुई पर धड़ाम करके गिर पड़ी। बल मैं तभी आंख खोलेगी जब कन्हैया घर में आ जाएगा, जब तक कन्हैया नहीं आई तब तक मैं आंख को नहीं खोलूंगी। इसलिए उसके बाद में फिर क्या हुआ हम फिर कल सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अपने बोल हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे हरे नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर प्रभु नंदे हरि हरि बोल हरि